आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड की जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लेटफार्म को पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी भाई? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई, समान लंबाई का मतलब 180 मीटर, तो दूरी क्या हो जाएगी भाई? 300। दूरी क्या हो जाएगी भाई? 360 मीटर। क्लियर? और यहां पर समय क्या दिया गया है? 18 सेकंड। हमें निकालना क्या है? रेलगाड़ी की चाल कैसे आएगा भाई? तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी कितना है? 360 मीटर, और समय कितना है? 18 सेकंड। बराबर क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।